मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण के मकसद से रोजाना पौधारोपण करते हैं। अपने इसी संकल्प के तहत शुक्रवार सुबह उन्होंने राजधानी के टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचकर पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा विभिन्न राज्यों के जल मंत्री और अधिकारी साथ थे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज का पर्यावरण संरक्षण संदेश। स्मार्ट सिटी पार्क पर किया सीएम ने पौधारोपण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। स्मार्ट सिटी पार्क का नाम अब होगा वाटर विजन पार्क। पौधारोपण के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के जल शक्ति मंत्री मौजूद थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पानी का संतुलित उपयोग होता रहे और जल के लिए जो संकल्प जल मंत्रियों के सम्मेलन में लिया जाएगा, उस संकल्प की सिद्धि के लिए ये स्थान याद किया जाएगा। स्वागत करता हूँ आदरणीय शेखावत जी का, प्रहलाद पटेल जी का और सभी राज्यों के जो हमारे जल शक्ति मंत्री या जल संसाधन मंत्री जो यहाँ वाटर विजन पर विचार करने इकट्ठा हुए हैं। मैं तो आभारी हूँ कि उन्होंने तय किया कल कि पानी का और पेड़ों का बहुत आत्मीय रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है और इसलिए वो यहाँ एक एक वृक्ष हर राज्य की तरफ से लगाएंगे। आज वो पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से ही आग्रह करता हूं कि वो मीडिया को संबोधित करें। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पेड़ लगाने की मुहिम में उन्हें जोड़ने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उनका ये संकल्प पुष्ट हुआ है कि आने वाली पीढ़ी को संतुलित जीवन देने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, देश भर से आए हुए जल के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले माननीय मंत्रीगण, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का और उनकी इस अनूठी पहल का कि मुझे प्रतिदिन 3 वृक्षों का रोपण करना है और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके इस मुहिम में हम सबको भी शामिल होने का भी, हम सबको भी सहभागी होने का अवसर मिला है। वर्ल्ड वाटर विजन में जब हम लोग स्टॉकहोम में गए थे, वहाँ भी इस तरह की कल्पना थी कि जल से जुड़े हुए जितने भी विषय, हम सब उनको सामूहिक रूप से किस तरह से परिपुष्ट करें और आज वाटर विजन 2047 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया कि देश में पहली बार हुए पानी के विषय में काम करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के इस सम्मेलन में, जहाँ हम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति हो, इस विषय पर जब हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, तब पानी के साथ में सबसे प्रमुखता के साथ जुड़े विषय पेड़ लगाने का अवसर भी हम सबको प्रदान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के कुशाभाव ठाकरे सभागार में गुरुवार को अपने संबोधन के दौरान जल सम्मेलन में शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के जल मंत्रियों और अधिकारियों को अपने साथ पौधारोपण के लिए आमंत्रित किया था, जिसका वृहद रूप आज देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।